हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब इसमें एक बोला गया है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू x³। ये कर्व है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, वेयर द नॉर्मल टू दिस कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्स एक्सिस। अभी तक इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आपने किया, ठीक है? पहले तो फिगर समझो इसकी ध्यान से, कि ये एक कर्व है आपके पास, ठीक है? उस कर्व पर आपको वो पता करना है। देखो इस कर्व पर यहाँ भी टेंजेंट ड्रा हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, हर पॉइंट पर आपका एक, अगर टेंजेंट ड्रा होता है तो हर पॉइंट पर एक नॉर्मल भी ड्रा हो सकता है। तो हमें पता करना है कि वो कौन सा पॉइंट है कि जहां पर अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लो मैंने एच के पॉइंट लिया, ये नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो आपका एक्स एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है और वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहां तक और यहाँ से ये यहाँ तक सेम है, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो मैंने क्या किया था, देखो ये कर्व था आपका, ठीक है? ये कर्व है 9y² इज इक्वल टू x³। ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां पर ये टेंजेंट है, आपकी टेंजेंट लाइन है, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट पास कर रहा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। और मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास, अगर कोई ऐसी लाइन होती है जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, देखो या तो वो इधर हो सकती थी इस इधर वाले में, या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका स्लोप हमेशा या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा, प्लस वन या फिर माइनस वन होता है। देखो यहाँ पर क्योंकि आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना, तो अगर आप इसकी यहाँ पर स्लोप लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव होने की वजह से आपकी वन आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर लेंगे तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपकी यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, आपकी ये क्या आएगी, नेगेटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, तो और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। खैर हमें नहीं पता कि इन विच क्वाड्रेंट योर दिस नॉर्मल लाइज, तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको प्लस माइनस वन ही रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो हम अगर कर्व दिया है स्लोप ऑफ नॉर्मल तो एक और तरीके से भी तो निकाल सकते हैं ना, तो वो है डिफरेंशिएशन। तो 9y² = x³ दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया x² / 6y। अब यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने क्योंकि h के लिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर, ये यहाँ पर लिखा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो आप ये x की जगह h और y की जगह k रखेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया आपके पास h² = 6k। अब अगर आप इसको ये देखिए कि ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया, हाँ जी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है आपके पास इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल करके -bk 6k, ये क्योंकि यहाँ पर आपने h रखना है, यहाँ पर k रखना है, फिर इसका रेसिप्रोकल करना है, तो -6k/h², इसको हमने नंबर 2 दे दिया। अब आप ये चीज देखिए क्योंकि इसने बोला है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट, ये आपका जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है आपका एक्स और वाई एक्सिस के साथ, यानी कि एक्सिस के साथ, तो इस वजह से जो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो प्लस माइनस वन है। अब ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, एक बारी प्लस वन लेके एक बारी माइनस वन लेके, ठीक है? तो k की वैल्यू एक बारी -h² / 6 आई, ठीक, और एक बारी k की वैल्यू h² / 6 आई। अब आप ये देखिए कि जो आपका कर्व है 9y² = x³, ठीक है, तो ये पॉइंट h के लाइज ऑन दैट कर्व आल्सो, देयरफॉर इट वुड सेटिस्फाई दैट आल्सो, तो हमने उसकी जगह y की जगह k और x की जगह h रख दिया, ठीक है? अब आप यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्वायर आएगा, चाहे आप नेगेटिव वाला ये रखो चाहे पॉजिटिव ये रखो, क्योंकि k का स्क्वायर करोगे तो -h² का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए हम एक ही वैल्यू से यहाँ पर ये दोनों को इकट्ठा रख दिया मैंने, और यहाँ से हमारे पास h की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है।
एच की वैल्यू 4 आई, आप यहां पर पुट कीजिए और यहां भी पुट कीजिए, तो के की दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, प्लस माइनस 8/3। तो एच के यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपको निकालने के लिए बोला था कि किन पॉइंट्स पर आपका ये जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस के साथ बनाएगा, तो वो ये पॉइंट है अगर आपका 4 प्लस माइनस 8/3, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पर 8/3 यहाँ पर, और एक इधर आपका इधर होगा, तो ये यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन योर एग्जाम्पल नंबर 46 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए। इसमें दिया है फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू दिस कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस y। कर्व क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू cos x प्लस y, और आपके पास इंटरवल दिया है माइनस 2π से लेकर x की वैल्यू है 2π तक, ठीक है। विच आर, वो सारे टेंजेंट्स क्या होने चाहिए, पैरेलल टू दिस लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी कि आपका ये कर्व है, इस कर्व के जितने भी टेंजेंट्स हैं उन सब की इक्वेशन निकालो, वो सारे के सारे टेंजेंट्स इस लाइन के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक। तो हमने कर्व लिया वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई, फिर एंगल x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाय चेन रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन x प्लस y आ जाएगा, और इधर dy बाय dx से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस साइन x प्लस y dy बाय dx से मल्टीप्लाई होगा वो उधर जाकर dy बाय dx के पास इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन x प्लस y dy बाय dx, और ये माइनस साइन x प्लस y जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था इट विल रिमेन हियर एज इट इज। तो यहाँ से फ्रॉम हियर यू कैन टेक आउट द dy by dx कॉमन एंड व्हाट विल रिमेन इनसाइड 1 प्लस साइन x प्लस y, 1 प्लस साइन x प्लस y विल शिफ्ट टू दिस साइड, क्योंकि dy by dx के साथ ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, जब इसको इधर लेके जाएंगे इट विल कम हियर इन द डिनोमिनेटर, डिवीजन में आ गया। अब ये आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस dy by dx, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। dy by dx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास ये भी तो बोला है कि योर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो चलिए इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, आपको पता है स्लोप जो होती है वो होती है अगर ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो स्लोप ऑफ लाइन यू हैव स्टार्टेड इन योर 11th क्लास दैट इज माइनस a अपॉन b, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज इक्वल टू माइनस, यहां पर 1 है तो माइनस 1 अपॉन और y का कोफिशिएंट 2, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप हो गई माइनस 1/2, ठीक है, ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन आ गई। अब आपको ये दिया कि ये हमने क्या निकाला था, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट योर लाइन इज, गिवन लाइन इज पैरेलल टू द टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल है, लाइन एंड टेंजेंट आर पैरेलल, एंड वी नो दैट इफ द लाइंस are parallel, tangent is also a line, if lines are parallel then their slopes are equal, jab aapke tangent aur ye line parallel hain to inki dono ki slope bhi equal hogi, ab slope of tangent aapke paas ye hai second se number par aur slope of your line is this and both of these are parallel therefore these both of these will be equal, theek hai ji, in dono ko rakha equal, minus sign se minus cancel, 2 aapka cross multiply ho gaya idhar jaake, तो ये आ गया आपके पास, और 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई है और इधर 1 टाइम साइन एक्स प्लस वाई, व्हेन इट विल शिफ्ट टू दिस साइड माइनस हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स प्लस वाई में से माइनस साइन एक्स प्लस वाई होगा, तो साइन एक्स प्लस वाई आपके पास रह गया 1 के इक्वल, ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं कि आपके पास जो कर्व था वो ये था, देखो ये है कर्व, है ना, इसमें हमारे पास cos की वैल्यू है और ये है हमारे पास sin की वैल्यू आ गई, और हमने बताया कि अगर कभी भी sin और cos हमारे पास आ जाए तो we have one identity and that is sin square theta plus cos square theta equal to
वन. तो हमने भी यही किया, हमने इसका स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, फर्स्ट का भी स्क्वायर किया एंड फोर्थ का भी स्क्वायर किया और इनको ऐड कर लिया. ठीक है जी, इसका भी स्क्वायर किया और इधर इसका भी स्क्वायर किया. डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्वायर्स हियर. इसका भी स्क्वायर किया और वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा. अब वहां पे पता है ये थीटा देखो आपके सेम है, ये सेम है, ये आपका थीटा है. अब ये है ना, ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज तो हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते थे. तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. यहाँ पर ये वन इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, वन से हो गया वन कैंसिल दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो वाई की वैल्यू जी जीरो आ गई आपकी. तो आप जब कर्व में इसको पुट करेंगे वाई की वैल्यू जीरो, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि वाई यहाँ भी जीरो रखोगे, वाई यहाँ पर भी जीरो रखोगे, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया जीरो. और इसको जरा आपको पुट करना है फोर्थ में भी, तो y की वैल्यू जीरो जब आपने पुट की तो साइन x आ गया वन. ये देखिए साइन x वन है और cos x आपका जीरो है. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कब होता है, कब आपका cos x जीरो होता है. आपको पता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2 पर होता है, इसका मतलब जो आपका ये x है, ये एंगल है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, यानी 2n plus 1 5/2. लेकिन अब आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो x है वो माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में लाई करता है. वो अब आप कैसे निकालेंगे, आपके पास ये कैसे आया. देखो एक चीज समझने की कोशिश करो बेटा, कि जब हम ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, देखो साइन x इसमें ना पॉजिटिव वन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पॉजिटिव वन जो साइन x की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होती है, नीचे नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, है ना. तो हम यहाँ की कोई वैल्यू नहीं लेंगे. और जो cos x जीरो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पर होगा, यानी कि वो इधर भी जीरो हो सकता है और वो कहाँ पर जीरो हो सकता है, वो इधर भी आपका जीरो हो सकता है. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin x प्लस वन है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेनी है. अब आपको 2n plus 1, x की वैल्यू 2n plus 1 pi by 2 है, सॉरी ये मैंने ये गलत ले लिया आपका, ये यहाँ पर नहीं, ये आपका ये, क्योंकि cos x pi by 2 पर होता है जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है. cos x तो देखो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर, क्योंकि वो pi by 2 पर जीरो होता है. वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स मल्टीपल्स ऑफ pi by 2, है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन अब हमें कौन सा वाला मल्टीपल ऑफ pi by 2 लेना है, ये लेना है या ये लेना है या दोनों लेने हैं, वो हमारे साइन एक्स ने बोल दिया. साइन एक्स हमारा है पॉजिटिव. व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव तो आप यानी ऊपर हैं, आप नीचे तो हैं ही नहीं. इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पाई बाय टू चाहिए, जो भी यहाँ पर होगा ऊपर. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको चाहिए माइनस टू पाई से टू पाई के बीच में वैल्यू. अब देखिए आपने इसमें वैल्यूज पुट की, तो एक तो वन पाई बाय टू आई, आप ना एन की वैल्यू पुट कीजिए पहले माइनस एन. अगर आप एन को माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन पुट कीजिए तो कितना आया आपके पास, माइनस वन पाई बाय टू, माइनस वन पाई बाय टू. ओके, तो माइनस वन पाई बाय टू आपके पास कहाँ जा रहा है, आप माइनस वन पाई बाय टू आपके पास कहाँ जाएगा, माइनस टू पाई और टू पाई के बीच में. तो अभी हम, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि ये 2n plus 1 pi by 2 है आपके पास, है ना, odd multiple of pi by 2 है आपके पास x. और ये चीज मैंने आपको बता दी कि हमें सिर्फ ऊपर वाला pi by 2 चाहिए, नीचे वाला pi by 2 odd multiple of pi by 2 नहीं चाहिए, क्योंकि साइन आपका पॉजिटिव है. अब हम ना n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, क्योंकि हमें माइनस टू पाई और टू पाई के बीच में आपका x की वैल्यू चाहिए. चलो मैंने माइनस टू पुट किया, यहाँ पर माइनस टू पुट करोगे तो माइनस फोर प्लस वन यानी माइनस थ्री पाई बाय टू आया. अब माइनस थ्री पाई बाय टू अगर आप यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे माइनस है, तो आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाय टू, आप यहाँ पहुंच गए और हमें यहीं पर चाहिए था, यहाँ पर हमें चलेगा. ठीक है, माइनस थ्री पाई बाय टू आपका एक आ गया. ठीक है, उसके बाद हमने माइनस वन पुट किया, चलिए माइनस वन पुट करो यहाँ पर, तो माइनस टू प्लस वन कितना आया, माइनस पाई बाय टू. माइनस पाई बाय टू का मतलब आप कहाँ पर हैं, आप जरा देखिए, माइनस पाई बाय टू का मतलब है आप रिवर्स, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे चले, ये आप यहाँ पहुंच गए
और यहाँ पर तो आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन आती है, इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये हमने नहीं लिया, ये हमने लिया, तो हमने माइनस फाइव बाय टू नहीं लिया है, ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, हमारे पास आया था माइनस थ्री फाइव बाय टू, वो हमने ले लिया है, माइनस थ्री एंड पाई बाय टू को हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था माइनस पाई बाय टू जो कि हमने कंसिडर नहीं किया, और वो आपको रीजन समझ आ गया होगा कि वो क्यों नहीं किया। उसके बाद जीरो रखो, जीरो रखो यहाँ पर, तो जीरो रखने से पाई बाय टू आ रहा है, पाई बाय टू का मतलब सीधा वो तो पता ही है, जीरो से हम अब क्योंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर तो चलेगा। उसके बाद जीरो रखने के बाद हमने रखा वन, जब आपने वन रखा यहाँ पर ये बन गया फाइव पाई बाय टू। फाइव पाई बाय टू का मतलब क्या है, आप देखो ये वन पाई बाय टू हो गया, देखो वन पाई बाय टू, टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू एंड फोर पाई बाय टू एंड दिस इज फाइव पाई बाय टू। एक मिनट एक मिनट, आपने वन रखा ना, वन नहीं ये तो बड़ा हो गया, एक मिनट, ये वन रखा आपने, वन रखा तो कितना बना, थ्री पाई बाय टू, सॉरी थ्री पाई बाय टू बना, ये गलत है आपका, थ्री पाई बाय टू बना जी, थ्री पाई बाय टू, वन रखने पर थ्री पाई बाय टू बना, तो ये बना आपका पॉजिटिव है क्योंकि, तो वन पाई बाय टू, टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, आप यहाँ नीचे हैं और नीचे हम नहीं लेते इसलिए हम यहाँ पर ये जो थ्री पाई बाय टू आया वन रखने के, ये वन रखने पर आया ना थ्री पाई बाय टू, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। जीरो रखने पर हमारा आया था पाई बाय टू जो कि हमने लिया है, कंसिडर किया है, और माइनस वन रखने पर हमारा क्या आया था, हमने माइनस वन रखा था तो माइनस पाई बाय टू आया था जो कि हमने नहीं रखा, और माइनस टू रखने पर माइनस थ्री पाई बाय टू आया जो कि हमने रखा था, कंसिडर किया था। उसके बाद टू पुट करो, टू पुट करोगे, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, देखो फाइव पाई बाय टू का मतलब क्या होता है, जरा आप इसको डिवाइड करना टू से फाइव को, तो कितना आ रहा है, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव पाई बाय टू जो कि आपका टू पाई से इसकी जो रेंज है वो बाहर चली गई है, ठीक है, फाइव पाई बाय टू जो है आपका वो इस रेंज से बाहर चला गया है, इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने कंसिडर कौन कौन सी वैल्यू की, देखो एक तो माइनस थ्री पाई बाय टू कंसिडर की, ये हमने कंसिडर नहीं की है, उसके बाद हमने आपने ये वाली कंसिडर नहीं की, उसके बाद आपने ये वाली कंसिडर की है, कौन सी है ये, एक तो पाई बाय टू आ गया और एक माइनस थ्री पाई बाय टू, दो ही वैल्यूज हमने कंसिडर की है एक्स की, वाई की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है जीरो, तो एक पाई बाय टू जीरो और एक थ्री पाई बाय टू जीरो आ गया आपके पास, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आ चुका है और स्लोप हमें पहले ही पता है, ये पैरेलल थी कि ये हमारी स्लोप ये माइनस वन बाय टू, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार एक्स वन वाई वन ये लेके और स्लोप इसकी माइनस वन बाय टू लेकर एक बार फाइंड आउट करेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन लगा के, और एक बारी आप ये वाला पॉइंट लेंगे थ्री पाई बाय टू कॉमा जीरो और स्लोप वही रहेगी आपकी माइनस वन बाय टू, ठीक है जी। ये क्वेश्चन काफी आपका मतलब कि एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आपको एक दो बारी आप समझेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी दिस इज एग्जाम्पल नंबर योर एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू दिस कर्व x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 एट अ पॉइंट वेयर इट कर्व्स x एक्सिस। देखो एट वर्ड क्या है, यानी कि ये एट का मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पर है जहां पर कर्व जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। हाँ जी, तो ये हमारा देखो ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व जो है वो x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पर, और हमने ये पॉइंट लिया है x एक्सिस पर क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये x, जीरो ये पॉइंट है, और
ये पॉइंट क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इट लाइज ऑन द कर्व ऑल्सो, इट लाइज ऑन द टेंजेंट ऑल्सो. जब ये पॉइंट एक्स कॉमा जीरो कर्व का भी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो हम इसको कर्व में पुट कर सकते हैं. इट वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो हमने यहाँ पर ये जो कर्व है पहले इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ पर हमने x की वैल्यू x ही रहनी थी और y की वैल्यू जीरो पुट की, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू सेवन. तो ये पॉइंट जो आपके पास आया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो आ गया आपके पास 7, 0. ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया. ठीक है, आपको ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट है, एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट. चलो पॉइंट तो मिल गया हमें, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें कर्व को, ये जो कर्व हमने इस तरीके से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव लेना इट्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट रूल, तो हमने इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया इधर ताकि ये प्रोडक्ट रूल में आ जाए, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर पाए. तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया इसका यहाँ पर, तो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लोगे, पहले वाई का डेरिवेटिव आपने लिया है डीवाई बाई डी एक्स x माइनस टू एंड x माइनस थ्री एज इट इज प्लस फिर y एज इट इज और x माइनस थ्री एज इट इज x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 है, देखिए यहाँ पर फिर प्लस y एज इट इज x माइनस टू एज इट इज और ये थर्ड फंक्शन x माइनस थ्री का डेरिवेटिव 1 ठीक है इज इक्वल टू x माइनस सेवन का डेरिवेटिव 1. अब आपने क्या किया, हमारी जो dy by dx चाहिए वो इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर dy by dx क्या होता है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन वो हमें चाहिए इस पॉइंट पर 7, 0. तो x की जगह 7, y की जगह 0 रखा आपने, x की जगह 7, y की जगह 0 रखा, तो आपके पास ये dy by dx ये आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये आया 1/20, तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गई. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो नॉर्मल की, क्योंकि हमें इक्वेशन टेंजेंट की भी निकालनी है क्वेश्चन में देखिए और नॉर्मल की भी, तो हम नॉर्मल की भी स्लोप निकाल लेते हैं, -1/slope ऑफ द टेंजेंट, तो वो आ गया आपके पास. अगर ये 1/20 है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल वुड बी -20. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 7, 0 दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. तो आपके पास ये पॉइंट है जहाँ एक्स वन वाई वन जो है 7, 0, x की जगह x1 की जगह 7, y1 की जगह 0 सब्सटीट्यूट किया और स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. लाइकवाइज फॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो वही रहेगा लेकिन आपकी जो स्लोप है आप ये वाली स्लोप जो माइनस 20 है वो यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई है. इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस विच इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन इज 23 इन एनसीईआरटी बुक. दोनों क्वेश्चन सेम है ये आपके एनसीईआरटी बुक में, एक ऑप्शनल में दे रखा है कि वैसे दे रखा है लेकिन बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है. तो क्वेश्चन क्या है लेट अस सी. इसमें दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2. क्वेश्चन समझो पहले क्या बोला है कि आपको एक कर्व जो है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये मैंने ड्रॉ किया ये आपका कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. ठीक है, इस कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है आपने, ये नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है. ठीक है, यहाँ पर या टेंजेंट ड्रॉ किया और ये इसका ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है जो नॉर्मल पास कर रहा है पॉइंट 1, 2 से. ये पॉइंट बी 1, 2 मैंने लिया, इस पॉइंट से ये पास कर रहा है. स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ इट, ये आपको एट वर्ड नहीं दिया, ये इसका मतलब ये पॉइंट कहीं आप इसको एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मत समझ लेना, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स. जहाँ एट वर्ड दिया होता है वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ये कोई और पॉइंट है नॉर्मल का, ये नॉर्मल का कोई और पॉइंट है जो कि कर्व के ऊपर लाई नहीं करता. ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने सपोज कर लिया इसमें कि एच के है. ठीक है, मान लिया हमने ये पॉइंट ए जो है वो एच के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, ये जो पॉइंट एच के है ये पॉइंट कॉमन है कहाँ, किसके लिए, कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, ये टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट जो है ए वो आपका नॉर्मल का भी पॉइंट है, तीनों के लिए ये कॉमन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं. अब इसके बाद हमें दिया कर्व, क्योंकि अगर देखो आपको ये जो नॉर्मल है ये ए से बी ये नॉर्मल है, इसकी इक्वेशन बनानी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है
और इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपको कोई भी पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर जो कि हमारे पास है 1, 2, और एक इसकी क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप इसकी डायरेक्ट नहीं निकलती, पहले हमें ये टेंजेंट की स्लोप निकालनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, फिर टेंजेंट की स्लोप हमें पता है कर्व की हेल्प से निकलती है, तो हमारा जो कर्व है वो ये है, आपके पास दिया हुआ है x² = 4y, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4y का 4dy/dx। ठीक है जी, इस कर्व की हेल्प से हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई यहाँ पर 2x/4 यानी कि x/2। ये स्लोप जो है नॉर्मल की कैसे बनेगी, इसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर लीजिए और एट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो भी पुट कर दीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है कि क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट h के, यानी x की जगह h रख दीजिए आप यहाँ पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट h/2y नॉर्मल की रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दिया, तो आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गई है। इसको मैंने शो किया है आपका m से, m = -2/h। अब ये देख लीजिए, सिंस दिस पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट है आपके पास इस नॉर्मल के, ठीक है, दो पॉइंट से भी तो स्लोप निकल जाती है y2 - y1/x2 - x1, ये भी तो ए भी क्या है नॉर्मल, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल की स्लोप y2 - y1/x2 - x1 करके निकाली है। अब ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। इक्वेट करने के बाद आपके पास रिलेशनशिप आ गया एच और के में, इससे हमारे पास आ गया h = 2/k। अब ये देखो, मैंने शुरू में भी आपको ये बात बोली थी कि ये जो पॉइंट एच के है ये कर्व का भी है, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट एच के इस कर्व का है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि पॉइंट एच के जो है दैट लाइज ऑन दिस कर्व, देयरफॉर इट वुड सेटिस्फाई दैट कर्व, तो आप x की जगह कर्व में h पुट कर दीजिए, y की जगह k पुट कर दीजिए, यहाँ से हमारे पास h² = 4k रिलेशनशिप आया है। h की वैल्यू तो अभी आपने निकाली थी 2/k, जो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इससे आपके पास k की वैल्यू आ गई, k³ = 1 आया, तो k हमारे पास 1 आ गया, k की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो h की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया h के, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आया वो 2, 1 आ गया। और स्लोप जो है, स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप आपको ये देखो, ये स्लोप थी नॉर्मल की -2/h, यानी -2/h की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी आ गई है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मैंने बताया था आपको क्या चाहिए, वैसे तो दो पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, खैर मैंने ये आपका निकाला है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, आपका y - k, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट k h k है दैट लाइज ऑन द कर्व, तो मैंने इसी को यूज किया y - k = mx - h। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाले पॉइंट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ मैंने h के लिया, आप 1, 2 भी ले सकते हैं, 1, 2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, m की आपकी -1 आई है, आप इसको पुट कीजिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर NCERT miscellaneous exercise. इसमें है कि if line y = mx + 1 is tangent to the curve y² = 4x, then find the value of m. देखो क्या दिया हुआ है कि आपका ये curve दिया हुआ है y² = 4x, और इस curve के ऊपर ये एक tangent line है y = mx + 1, और आपको ये value m की निकालनी है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से पहले मान लिया कि ये जो पॉइंट P H के है, ये पॉइंट P जो है H के, वो इस कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि कॉमन पॉइंट टू द कर्व एज वेल एज टू द टेंजेंट, यानी कि ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो अब हमने ये, क्योंकि ये मैंने क्या बोला अभी आपको, ये पॉइंट H के कर्व के ऊपर लाई करता है, कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट आपका टेंजेंट के ऊपर लाई करता है तो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने टेंजेंट को सबसे पहले इसको सेटिस्फाई कराया है, यानी कि हमने y की जगह k रख दिया और x की जगह हमने यहाँ पर m रखा है, सॉरी x की जगह h रखा है यहाँ पर, y की जगह k m, x की जगह h प्लस 1, यहाँ से हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया m, ठीक है, m निकल गया। अब ये हमारा कर्व है y² = 4x,
अब यहां से भी तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो हमने यहां से भी इसको डिफरेंशिएट किया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू 4x का डिफरेंशिएशन 4, यहां से भी हमने डीवाई बाय डीएक्स यानी स्लोप की जो टेंजेंट की स्लोप है वो निकाली 2/y, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या एच के, तो वहां पर के की वाई की जगह के रख दिया हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से भी आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हमने वहां से भी निकाला, नंबर वन और टू को में दोनों में स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां से हमारे पास के और एच में रिलेशनशिप आया है। ये देखिए ये के और एच में एक रिलेशनशिप आ गया आपके पास। अब देखिए अभी मैंने बात शुरू में जिक्र किया था कि ये जो पॉइंट एच के है दैट लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑल्सो, तो हमने क्या करना है कि ये वाई की जगह के पुट कर दो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4h आ गया यहां से, और h की वैल्यू यहां से पुट कर दो, थर्ड से अभी हमने निकाली है h की वैल्यू, k स्क्वायर माइनस k, यहां सॉरी पहले यहां से h की वैल्यू निकाली है k स्क्वायर अपॉन 4, ये जो h की वैल्यू निकली है आप यहां पुट कर दीजिए, मतलब दोनों का i की मतलब है कुछ भी कीजिए, कहने का मतलब है इक्वेट करना है, और ये आपके पास k की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से k कॉमन है, k की वैल्यू आपके पास आ गई, दो वैल्यूज आई है k की 0 और 2। अब आप क्योंकि ये जो है दो वैल्यूज आई है के की, तो दो वैल्यूज एच की भी देगा, तो आप ये कर्व में पुट कर दीजिए, ये आपके पास कर्व था ना यहाँ, यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, ठीक है, यहाँ पर जब आपने पुट की तो जब एक्स के की वैल्यू 0 थी तो एच भी 0 आया, जब आपने के की वैल्यू 2 पुट की इस रिलेशन में तो आपके पास एच 1 आ गया, तो आपके पास दो पॉइंट आए हैं 0 और 1 2, दो पॉइंट आपके पास आए हैं। अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा इन दोनों में से, कौन से वाला नहीं कर रहा, आगे x की जगह 0 पुट करना, y की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, ये देखो व्हाट पॉइंट x 0 0 डजंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, आप जरा पुट कीजिए x को 0 पुट कीजिए, y को भी 0 पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो रही है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है, तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ये वाली आपकी ये वाली वैल्यू है ये डिस्कार्ड हो गई, तो आपके पास बची कौन सी वैल्यू 1 और 2, तो आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन में y की जगह 2 पुट कर दीजिए, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू ऐसा करने से 1 आई है, तो हमारी m की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाली।